वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल से तुहाड़ा स्वागत है। अज असीं गल करांगे इश्तिहार नंबर 13 दा, एसएस बोर्ड दा इश्तिहार नंबर 13 है, जिहदे विच कुछ वैकेंसीज आईआं ने। सो डिटेल दे विच देखांगे कि की क्वालिफिकेशन चाहीदी है, की तनखाह होएगी, इहदे विच किहड़ा पेपर होएगा। सो वीडियो नूं एंड तक देखियो। जिन्हां ने चैनल नूं अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां कि आउण वालियां जिहड़ियां वीडियोज़ ने उहनां दे नोटिफिकेशन वी तुहानूं मिलदे रहिण। सो इह जिहड़ा इश्तिहार है, प्रकाशित 21/5 नूं हो गया सी ऑनलाइन। इनू अपलाई करने की तरीक जी 23/5 तो शुरू है, 22/6 तक इनू भरया जा सकता है ऑनलाइन। फीस जी 27/6 तक दी जा सकती है। ये बैकलॉग दी पोस्टा ने स्कूल लाइब्रेरियन दियाँ 57 पोस्टा ने बैकलॉग के। सो ये ने दफ्तर डायरैक्टर सिक्ख्या विभाग सीनियर सैकेंडरी के, पंजाब के तकनीकी सिक्ख्या, डायरैक्टर उद्योगिक सिखलाई विभाग के। सो इन दो डिपार्टमेंट्स के स्कूल लाइब्रेरियन दियाँ ग्रुप सी दियाँ पोस्टा ने 57 बैकलॉग दियाँ। सो कैटेगरी वाइज इन की जी वंड है वह दी है, सीनियर सैकेंडरी जो डिपार्टमेंट है वो कैटेगरी वाइज वंड दी है, तो जो उद्योगिक सिखलाई विंग है वो भी ये वंड दी है। वो दो ही पोस्टा ने केवल, एक एस सी की है तो एक बी सी की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चाहिए, ये डायरैक्टर सिक्ख्या विभाग के सीनियर सैकेंडरी के चाहिए है 10+2 पास की हो, ते नाल ही 2 साल का जिहड़ा डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस दे विच कीता होवे। सो जिहड़ी डायरैक्टर तकनीकी सिक्ख्या ते उद्योगिक सिखलाई विभाग आ उहदे विच चाहीदी है डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो पहले दे विच डिप्लोमा ही चाहीदा सी, दूजे दे विच इन्हां ने बैचलर डिग्री जिहड़ी आ उह कर दित्ती है, ते नाल ही 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहीदा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर फैक्टरीज एक्ट। सो 1 साल का ये एक्सपीरियंस भी मंगया है, या ये मंगया कि बी ए बी एस सी डिग्री चाहिए है, तो नाल डिप्लोमा चाहिए है इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो ये 3 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वह चाहिए है। सो इन्ह क्वालिफिकेशन तो इलावा 10वीं पद्धर से पंजाबी पास की हो। सैकेंड ये दिता है कि डायरैक्टर सिक्ख्या विभाग जोड़ा है ये जिन्हों की उचेरी सिक्ख्या है बी लिब तो एम लिब वह भी इनू अपलाई कर सकते हैं। सो ये तनखा स्केल जोड़ा है 25,500 का दिता गया है, 25,500 मुढ़ली तनखा जी थोड़ा मिलेगी। सो ये सीनियर सैकेंडरी का स्केल है जिदे डिप्लोमा रख्या गया सी, जिहड़ा डायरैक्टर तकनीकी सिक्ख्या विभाग है वह 29,200 का है। सो ये स्केल भी थोड़ा वध है क्योंकि ये बैचलर डिग्री मंगी गई है। उम्र सीमा जी ये 18-37 साल तक है, एससीज़ ते बीसी 42 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। सेंटर गवर्नमेंट ते स्टेट गवर्नमेंट के जिहड़े इंपलॉई ने 45 साल तक की उन्होंने एज रिलैक्सेशन है। जिहड़े एक्स सर्विसमैन ने उन्होंने 3 साल वध दिए जाते हैं सर्विस के हिसाब न। जिहड़े हैंडीकैप्स ने उन्होंने 47 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। विडोज़ डिवोर्सिज ने या कुछ कैटेगरीज ने उन्होंने 40 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। जिहड़े ठेके ते काम कर रहे हैं पंजाब सरकार के अधीन उन्होंने अपर एज के छोट दी गई है। फीस जी 1,000 रुपया जनरल कैटेगरी वास्ते, एस सी बी सी ई डबल्यू एस वास्ते 250 है, साबका फौजियों वास्ते 200 है, तो अंगहीन फिजिकली हैंडीकैप्ट वास्ते 500 रुपया है। रेजरवेशन ताही मिलेगी जेकर तुसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना पेश करोगे, तो जिहड़े तुहाडे सर्टिफिकेट ने कास्ट सर्टिफिकेट ने या होर कैटेगरी के सर्टिफिकेट ने वह भी पंजाब सरकार के रूलों के हिसाब के नाल होणगे, वैलिड सर्टिफिकेट होणगे, तां ही तुहानूं रेजरवेशन का जिहड़ा लाभ है मिलेगा। चोण विधि है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होएगा जिदे विच कॉमन मैरिट लिस्ट बनेगी, 40% जिहड़े नंबर ने वह मिनीम रखे गए हैं पेपर के। ऑब्जेक्टिव टाइप जिहड़ा पेपर है उहदी मैरिट लिस्ट के हिसाब न जिन्नियां पोस्टां ने उहदे 3 गुणा जिहड़े कैंडीडेट ने उन्हां नूं काउंसलिंग वास्ते बुलाया जाएगा, तो उन्हां दे विचों ही सर्टिफिकेट चैक करके फाइनल जिहड़ी मैरिट लिस्ट है वह बन जाएगी, तो महकमे नूं इहदी सिफारिश कर दित्ती जाएगी। लिखती टैसट है जिहड़ा इहदा एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही जिहड़ा वैबसाइट ते अपलोड कीते जाएगा, इहदा जिहड़ा पैटर्न है ते सिलेबस है वह बाद दे विच अपलोड करनगे। सो एस एस बोर्ड की जिहड़ी वैबसाइट है उहनूं तुसीं रैगूलरली चैक करते रहना है। अपलाई करन दी विधि है कि एस एस बोर्ड की वैबसाइट ते जाके तुसीं ऑनलाइन ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन नंबर जिहड़ा है तुहानूं मिल जाएगा। फीस भी जिहड़ी है तुसीं ऑनलाइन पे कर सकते हो या चलान कढ के भी कर सकते हो। सो ऑनलाइन फॉर्म तुहाडा जदों सरकार कर लिया जाएगा तां ही तुहाडा एडमिट कार्ड जिहड़ा है डाउनलोड हो जाएगा, तो तुसीं फॉर्म नूं भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये फॉर्म भरन दा तरीका है, जेकर कोई भी मुश्किल जिहड़ी है किसी नूं आउंदी है तां इन्हां ने एक फोन नंबर दिता है, लैंडलाइन नंबर है, इहदे विच तुसीं एक्सटेंशन दस के अपनी मुश्किल दस सकते हो। सो ये तुसीं अपनी मुश्किल दस के इहदा हल जिहड़ा है ले सकते हो। सो ये पोस्टां ने बैकलॉग दे विच 57 पोस्टां ने। सो ये पोस्टां दे विच जिहड़ी क्वालिफिकेशन है वह लाइब्रेरियन के हिसाब नाल ही चाहीदी सी, इसे करके इहनूं किते होर एडवर्टीजमेंट नाल मर्ज नहीं किया गया। सो चंगीआं पोस्टां ने,
ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।